आप चाहे जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात करें, लेकिन हर किसी भी राज्य के पास नहीं है तो हम अडॉप्ट कर ही नहीं सकते जैसे अमेरिका कनाडा वगैरह देश होते। अगर वो होता तो हम विकसित देश होते, हमारे पास वो रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। तो चाहे लोग इतना भी चिल्ला ले कैश डोल दे, कैश डोल किसी हालत में नहीं हो सकता, छोटे समय के लिए होता है लेकिन कभी कभी हमें लोगों को काम में लाने के लिए तो उनके घरों को चलाने के लिए नौकरी देना ही पड़ता है। पॉइंट यह है कि नौकरी का जो रेट जो सीएमआई का डेटा जो कह रहा है कि वो नौकरी का बढ़ने का रेट ही कम है। मेरा मानना यह है सर कि ये रेट थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, इस चिंता से कि एक जो अभी कंसर्न वो ये है कि अचानक भारत सरकार के कुछ कुछ हिंदुओं में या कुछ कुछ सज्जन अचानक इंडस्ट्री से एक कुश्ती का मनोबल मनोभाव आ गया है। मैं अभी इंफोसिस के ऊपर जो कमेंट किया गया है या टाटा के ऊपर जो कमेंट किया गया है इसको मैं काफी नेगेटिव तरह कंपनियां हो सिर्फ यही दोनों कंपनियां नहीं है, इससे हमें भारत के अंदर के जो इन्वेस्टर्स हैं, भारत के बाहर जो हैं, जो लड़का दुकान लगा रहा है या जो बड़ा कुछ एंटरप्राइज भी करेगा, ये चिंता होती है कि क्या बोलना चाहिए जी। ये एक मुठभेड़ का चीज का ये मनोबल क्यों आ रहा है, और ये कहना कि नहीं वो तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था नहीं चलता है, चुपचाप रहना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना करेक्ट। और इसमें एक और पॉइंट में कह के मैं इन सब चीजों का अभी बहुत जरूरी है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में, अगर उनके कोई भी राजनीतिक अगर सोचते हैं कि इस वक्त हम इन सारे कमेंट्स करें तो वो बहुत बड़ा खतरा इकोनॉमी के लिए ला रहे हैं। जितने अच्छे स्टेप्स दूसरे तरफ कैबिनेट अप्रूवल्स वगैरह दे रहे हैं जैसे KLI स्कीम्स, FDI में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए, बहुत सारे स्टेप्स किए गए, बहुत सारे सराहनीय कदम है, लेकिन इन सारे कदमों को अंकुर कुछ लगा सकता है इस तरह के बेतुकी बातें, और ये बहुत सीरियस बातें, इन पर बहुत जोर से इन पर बहुत सीरियसली अमल होना चाहिए। आई एग्री, सीरियस बात है, और जब बहुत अच्छा माहौल बन रहा हो तो इस तरीके के बीच में जो कमेंट आते हैं जो सेंटिमेंट या मूड बिगाड़ने वाले होते हैं उससे बचते हैं। तो इसके जवाब मैं अग्रवाल जी से लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इंडस्ट्री के लिए ऐसा बोलने जो कि काम करें, लेकिन कुछ नंबर में और रखता हूँ। सतीश जी गौर कीजिएगा, अंशुल जी आप भी, क्योंकि नंबर्स के जरिए ही हम ट्रैक कर पाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। ऐसे हमने अपने शो का नाम ही रखा है नैरेटिव्स वर्सेस फैक्ट, डेटा क्या कह रहा है, नैरेटिव्स क्या कह रहे हैं। कुछ और नंबर आपके सामने रखता हूँ। ये कंपनियां बजाज ऑटो टू व्हीलर बनाती है, अब 2019 अगस्त में 3,62,000 गाड़ी बेचते थे हर महीने, अब आप देखिए 3,38,000 पे पहुंच गए हैं, यानी प्री पैंडेमिक के लेवल को करीब करीब इन्होंने अचीव किया है। आगे आने वाले समय में अगर तीसरी वेव नहीं आती है तो ये अचीव हो जाएगा। फिर दूसरी कड़ी जो सबसे बड़ी कंपनी है हीरो मोटो, उसके नंबर पर भी नजर डालिए आप। हीरो मोटो का 6,85,000 का था, अभी ये सिर्फ 4.5 लाख तक पहुंचा है अगस्त 2021 का नंबर। यहाँ पे बहुत पीछे है, अभी न्यू नॉर्मल नहीं कह सकते आपकी 4.5 लाख है तो है, ये एग्जैक्टली पीछे है। लेकिन इसके बाद मारुति पे नंबर डालते हैं जो फोर व्हीलर बनाते हैं, अगस्त में 1,58,000 2019 का नंबर था और इस समय 1,30,000। बहुत बुरे दौर से गुजरने के बावजूद 1,58,000 से बहुत पीछे नहीं है 1,30,000 का नंबर। ये बात जरूर कह सकते हैं 2019 में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही थी, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है जिसके लिए सारे लोग कह रहे हैं कि नौकरियां कहाँ मिल रही है, तो जरा नंबर देखते हैं बेरोजगारी के। जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो ये सीएमआई का ही डेटा है जिसको लेकर के लोग कोट करते हैं। अप्रैल 2021 में 8% था और इस समय 8.3% है, यानी इसमें धीरे धीरे जो बीच में गड़बड़ हुई थी वो ठीक हुई है। तो ये आप नहीं कह सकते कि बहुत भयानक तरीके से बेरोजगारी अभी बढ़ी हुई है, वो जो 40 साल का आंकड़ा है अब वो बदल गया है। अब दिखाइए कि नौकरी कितने लोगों को मिल रही है, उसका जो रेट हम लोग लेते हैं वो किस तरीके है। रोजगार का परसेंटेज 36.8 था अप्रैल 21 से, मैं कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत पीछे का नंबर डिस्टॉर्टेड है, और अभी ये 37.2, नंबर पर गौर करिएगा,
36.8 से अब 37.2 है, यानी इंक्रीमेंटली नौकरियां बढ़ रही हैं। और एक नंबर मैं आपके सामने और शेयर कर दूं, जो हमारे यहाँ गाड़ियां बिकती है जो टोटल नंबर होता है वो 44,000 से 3,23,000 की रेंज के बीच में होता है। आज हम 2,64,000 टोटल सेल्स पे खड़े हैं, यानी जो हायर साइड का नंबर है उसके हम करीब पहुंच रहे हैं। मैं ये सिर्फ बताने या समझने की कोशिश आप लोगों से कर रहा हूं कि क्या ये नंबर इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो कोशिशें हैं सरकार की और इंडस्ट्री की और सभी लोगों की, वो अब उस तरफ जाने की तरफ है जो शायद प्री पैंडमिक की बुरी स्थिति से आगे निकलेंगी। इस पर बातचीत करेंगे, छोटे छोटे जवाब दिएगा। अंशुल जी, जो अभी नंबर मैंने दिखाए हैं इससे कुछ आपको राहत मिली कि नहीं, नौकरी वाले नंबर भी ठीक ठाक दिख रहे हैं? नहीं नहीं, आपको मैं कुछ और नंबर बताता हूँ, आपने वो नंबर तो बताए नहीं। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी वायरल रिपोर्ट जो है उसके नंबर दिखा दीजिए कि कितने लोगों ने, जो हमारे देश में जो 100 सबसे जो अमीर शख्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बढ़ोतरी हुई, उनकी वृद्धि हुई, उनकी दौलत में 13,00,000 करोड़ की। मैं ये एक और नंबर आपको, आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश में जो बिलियनर्स हैं उनकी वृद्धि हुई 104 से 140 तक, और ये संकुचन के साल में जब कंट्रैक्शन हो रहा था, फाइनेंशियल कंट्रैक्शन हो रहा था, उस साल में इनकी वृद्धि हुई है। केशेप रिकवरी की जो बात की जा रही है ना, उसके मैं उसके प्रमाण दे रहा हूं आपको, उसके सबूत दे रहा हूं आपको। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जून के महीने में मर्सिडीज एसयूवी की कीमतें, मतलब जो उनकी जो सेल थी वो सबसे ज्यादा थी। भाई वो तो वक्त था जब दूसरी लहर का कहर था, जब लाशें गंगा में तैर रही थी उस वक्त एसयूवी, मैं नहीं जानता उसकी कीमत क्या है, सब और लोग जानते होंगे। और बताता हूँ ना, मुझे हस्तक्षेप मत करिए, मुझे और आंकड़े बताने दीजिए ना आपको, आपने भी मुझे बताया, मैं भी आपको कुछ बताता हूँ। बताइए बताइए जल्दी बताइए। नहीं, मैं और बता रहा हूँ, 8 सेल्स देखिए, मैं 8 मार्केट में बड़ी कड़ी नजर रखता हूँ, क्योंकि वो बताती है कि ऊपर के क्षेत्र में वहां पर जो जिनके पास पैसा है, कितनी लिक्विडिटी है, वहां पर जो बड़ी बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो ब्लू चिप आर्टिस्ट हैं, वो बिक रहे हैं। जो गायकोंडे हैं, जो सूजा हैं, जो हुसैन हैं, जो तैयब मेहता हैं, वो बड़े बड़े दाम पे बिक रहे हैं। ये बताता है कि कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है संकुचन के वक्त में। अब मैं आपको बताता हूँ कि बूमिंग जो शेयर मार्केट है, जो हमारे जो एडवाइजर है, इकोनॉमिक एडवाइजर, बार बार शेयर मार्केट की तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ। भाई अगर जरूर पावेल अगर जीतते भी अमेरिका में ना, यहाँ पर शेयर मार्केट ऐसे ऐसे घबरा जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय लिक्विडिटी के कारण है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक से दुनिया आप क्या करेंगे, आप उसको कैसे रोकेंगे, वहां आ रहा है। नहीं नहीं है यहाँ पर कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन तो देख लीजिए आप, मैं समझ गया, पर्सनल कंजम्पशन देख लीजिए, प्राइवेट एक्सपेंडिचर देख लीजिए आप, अंशुल जी उसके आंकड़े भी तो बताइए, उसी का जवाब दूंगा ना सर। अरे आप सुन तो लीजिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, एग्रीड, बट उसको कोई सरकार रोक नहीं सकती है, कानूनी तौर पर वो लिक्विडिटी आ रही, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कि वो कुछ लोग या कुछ बिजनेसेस बहुत बड़े हैं, बिल्कुल सच है। मैं आपको इससे भी अच्छा आंकड़ा देता हूं, फरारी की बिक्री जब फोर्ड और तमाम कंपनियां डिफॉल्ट की स्थिति पहुंच गई थी तो 26% बढ़ी थी, बढ़ेगी सर वो इस हमारा जो पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम हमने बिजनेस का क्रिएट किया उसमें इसीलिए होता है। लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, बार बार इशारा कर रहे हैं यतीश जी, यतीश जी बहुत छोटे नीरज जी, कुछ एक चीज कहना चाहता था नीरज जी। देखिए अंशुल जी ना बड़ा निराशाजनक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी और की आमदनी बढ़े तो इससे देश को घाटा होता है, अगर बिलियनर की आमदनी बढ़े तो इससे देश को घाटा होता है। ये एक बड़ी विपरीत और बड़ी निराशाजनक सोच है कि आप दूसरे से इतना ईर्ष्या करते हैं कि आप उसकी कमाई में इजाफा नहीं देख सकते। आपको यह देखना है कि उसकी कमाई बढ़ी तो आपके देश का जीडीपी भी बढ़ा है, आपके देश की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ी है। आप दूसरे की जेब को देख के अपनी जेब देखें और ये कहें कि यार उसका बढ़ रहा है और हमारा नहीं बढ़ रहा, तो ये तो मैं केशव के बारे में ही बात कर रहा था, माफ करिएगा मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। मैं के शेप्ड इकोनॉमी की बात कर रहा था कि सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था को देखना है। अंशुल जी, अंशुल जी, अंशुल जी, यतीश जी जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, ये मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि के शेप रिकवरी नहीं है, लेकिन वो क्यों है उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सर संक्षेप में रखिए, यतीश जी कंप्लीट करिए। मैं कुछ बोलता हूँ, इकोनॉमी कोई एक क्वार्टर की ग्रोथ से नहीं है, अब आपने अपस्विंग तो देखा है,
आप जीडीपी ग्रोथ में अपस्विंग देख रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में देख रहे हैं, आप सर्विसेज में देख रहे हैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है बारिंग हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जिसमें ग्रोथ नहीं है। जो कह रहे थे धीरज जी और आप पहले की ऑटो सेक्टर में कुछ कमी है, ऑटो सेक्टर में कुछ सप्लाई की प्रॉब्लम्स है, जैसे सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल पा रहे इसलिए उनकी प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हो पा रही, स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसलिए उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, ये स्पेसिफिक सेक्टर वाइज चैलेंजेस है। बट सेक्टर वाइज चैलेंजेस से आपको ऊपर उठ के आपको इंडिया का पूरा हिंदुस्तान का ग्रोथ देखना चाहिए। अंशुल जी को ये देखना चाहिए कि हाँ ठीक है वो कह रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में आंकड़े नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो नीचे गिर रहा, ऐसा नहीं होता। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर जो 80% है आपकी इकोनॉमी का जी, उस पर आंकड़े इंडिकेटर्स होते हैं। आप सरकार में है, के शेप रिकवरी की एक आरोप है जो नंबर्स के जरिए दिखती भी है कहीं कहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि किसी ने क्रिएट की है, वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब बिजनेस अनऑर्गेनाइज बिजनेस खत्म होंगे या कमजोर पड़ेंगे तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल इकोनॉमिक्स है, तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर वो बड़े होंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है इसके लिए भाई, कैसे वो इक्विटी बनाए रखे? देखिए मैं दो तीन बातें ही आई है, मैं प्रमुखता से उन्हीं को कहूँगा। पहली बात है कि ये जो डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं उसमें मैं अभी दो तीन दिन पहले सरकार की मेजर जन कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में रिपोर्ट जारी हुई थी, 7 वर्ष पूरे हुए, उन सबको अगर आप देखें तो उन्होंने चाहे जनधन अकाउंट है, चाहे शौचालय का है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, वह सब ऑन ट्रैक है, मनरेगा ट्रैक पे है और उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत इफेक्टिवली हमारी सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो जो सेक्टर पिछड़ा है, जो छूट जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और उससे, उसके लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो जो लोग जो कह रहे हैं कि उन सेक्टर को छूट जाते हैं रूरल इकोनॉमी, उसके लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो है कि केवल फॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये रेडी वाले पटरी वाले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो इतना ज़्यादा जो सरकार का फोकस है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रेडी वाले पटरी वालों को जो लोन देना है मुद्रा माइक्रो, वो तो छोड़ दीजिए एमएसएमई का, लेकिन उनके लिए भी सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है और टारगेटेड डिलीवरी हम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी कर रहे हैं, करप्शन फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, वह सब बात भी एक महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सुखमोय जी ने कहा कि ये जो पब्लिक डोमेन में कुछ कुछ आउट ऑफ द टर्न कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं जिसके कारण कई बार वो उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार पूरी तरह प्रो रिफॉर्म है, नहीं तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को, इतने बड़े स्टेप्स को जो सरकार ने लिया है वो कोई छोटी बात नहीं है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। पीएलआई एक के बाद एक सेक्टर को टारगेटेड उसको इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। मैंने कहा टेक्सटाइल को तो वह भी बात है, पीयूष जी ने अभी क्या क्या अर्ली हार्वेस्ट हम एग्रीमेंट आर्ट एफटीए वगैरह पे कर रहे हैं, ये छोटी चीजें नहीं, रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर को देख लीजिए, लेबर रिफॉर्म्स को देख लीजिए। तो यह सारी चीजें आप देख के कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार प्रो बिजनेस नहीं है, प्रो इंडस्ट्री नहीं है। वी बिलीव इन मार्केट इकोनॉमी, वी आर राइट टू सेंटर। जी अगर ये रुकिए संक्षेप में सर, छोटे छोटे में सर, पॉइंटेड बात, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। वैक्सीनेशन को आप देख लीजिए, अरे इकोनॉमी ऐसे नहीं ठीक हो रही, वैक्सीनेशन की नहीं, सर मैं वही तो नंबर डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है और वो उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सुखमय जी मुझे ये बताइए कि पावर कंजम्पशन इतना हाईएस्ट क्यों है, इसके कारण हो रही है, बताइए सर वो कहां कंज्यूम हो रहा है? शुभो जी, यस सर, पावर कंजम्पशन कहां हो रहा है इतना? बस आपका वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जरा बताएंगे फिर से? मैं कह रहा हूं कि जो पावर कंजम्पशन के नंबर इतने हाई पे चल रहे हैं वो कहां कंज्यूम हो रहा है, वो उससे क्या हो रहा है? राइट, एंड आपने बहुत सही चीज पूछा है, पावर कंजम्पशन ही नहीं क्रेडिट का भी टर्न अराउंड हुआ है। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमी में, बहुत सारे सेक्टर्स में, तो आज मैं S&P का मैं स्टडी देख रहा था, उनका भी कहना है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेफिनेटली ऑन द मेंट,
एंड ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम बहुत बड़े झटके से रिकवर कर रहे हैं। एक जो जो चीज जो जो जिस पर ध्यान देना काफी जरूरी है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। इस वक्त रिकवर काफी किया है, 23% कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले वो 27% था। यानी कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए ही मैंने पिछले कमेंट में इंडस्ट्री का सेंटिमेंट्स की बात किया था कि दोनों सरकार और इंडस्ट्री दोनों को इस वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इस वक्त हम ऐसा कोई भी कमेंट नहीं चाहते हैं जो इस चीज को डिस्टर्ब करे। इंडियन इकोनॉमी में डेफिनेट रिकवरी हो रहा है, रिकवरी जरूरत है, और एक्सपोर्ट्स का जो ह्यूज जंप आया है वो इतने डिकेड्स बाद एक जंप आया है, ये एक बहुत बड़ा वेलकम चीज है जो हमें जरूरत था। इन सभी चीजों को देखते हुए इस रिकवरी को अगर हम छोड़ दे भाई, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, इधर उधर कुछ और ये अजीब कुछ कमेंट वगैरह इधर उधर से, तो ये बहुत बड़ा लॉस ऑफ चांस होगा। बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है इंडिया के लिए और इसको हमें पूरी तरीके से ग्रास्प करना चाहिए। सतीश जी, एक सवाल आपसे लेंगे, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है। एक नंबर में आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, बिल्कुल आसान करके इसको समझाते हैं, समझते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर एकदम लो पे है, 49। अग्रवाल जी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। रेंज होती है इसकी 48.5 से 117 की और इस समय 49 पे। लेकिन विडंबना और कंट्रेरी देखिए, स्पेंडिंग देखिए, 17,836 और जो इसकी रेंज है वो 4,00,000 से 21,00,000 है, यानी हायर एंड के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ। इतने लाख करोड़ की स्पेंडिंग क्वार्टरली हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले जब बहुत सारे बैंक्स के नंबर्स फोर्टनाइटली आते हैं, हर 15 दिन पता लगता है बैंक कितना लोन किसको दे रहे हैं, तो उसमें दो सेक्टर थे जहां सबसे ज्यादा लोनिंग हो रही थी, एक एग्री और एक कंजम्पशन। तो अगर ग्रामीण स्तर पे जहां की ग्रोथ 4.5% हमको अभी दिखी एग्री के थ्रू, अगर इतनी भयानक बेरोजगारी, इतना भयानक डेस्परेशन, डेस्टिट्यूट है, तो ये कंजम्पशन फिर कैसे हो रहा है? सतीश जी देखिए, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कंज्यूमर का जो कंज्यूमरेबल जिसको आप FMCG आदि बोलते हैं, होम लोन इंक्लूडिंग स्पेंडिंग अगर हो जाती है, होम लोन इंक्लूडिंग, हाँ हाँ ठीक है, तो उसपे हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए क्या होता है ना, आदमी ख्वाहिश में और आदमी थोड़ा जज्बाई हो करके भी बहुत सारा स्पेंडिंग कर लेता है, और वो अगर बैंक लोन से हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत वो जरूरी बुनियादी आवश्यकता में आता है। और ऐसा है कि अगर आप आंकड़े पर ही बात कर रहे हैं तो जो पहले स्पेंडिंग थी रूरल एरिया की, शायद मेरे मैंने जो आंकड़े पढ़े हैं उससे में शायद कमी आई है अभी, जैसा मुझे मालूम है। तो वो बात को ना हम देखें तो एक ही सवाल आप सब लोगों से कर रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा, और मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा हुआ नहीं है, मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ है, तो फिर ये बताइए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खिलाना क्यों पड़ रहा है? आप इसका उत्तर खोजिए। बाकी ऑटो का ग्रोथ, ऑटो सेल्स का ग्रोथ, फिर क्या बोलते हैं पावर कंजम्पशन, ये सारा कुछ हो रहा है अच्छा, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ा है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा है आपका, और वो जो एक हमारे से पहले जो बोल रहे थे उसको भी देखने लायक की जरूरी है कि भाई आपका गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, क्या सरकार का खजाना इतना बड़ा है कि गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है? क्या जो एक मोनेटाइजेशन का जो प्लान पाइपलाइन हुआ है, क्या उस तरह उसकी कोशिश है? तो ये एक तरह से नहीं, आप खाली ये देख के ये आंकड़े और वो आंकड़े से करेगा। मेरा एक ही बस एक लास्ट चीज कहना है कि देखिए, एक फॉर्मल इकोनॉमी में जो ट्रेडिशनल तरीके से देखने का है, जो हेडलाइन वाली आपकी इकोनॉमी है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन जो दूसरा इकोनॉमी आपके देश का है, जो 80 करोड़ मुफ्त अनाज वाला है, उस इकोनॉमी में और उसको देखना चाहिए, और उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या रोजगार, उनको कितना लोन मिल रहा है, उनको कितना लोन माफी मिल रहा है, उनको कितना अवसर मिल रहा है, ये देखने का वक्त है जी। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा सा टर्न करते हैं इसको, जो बात अभी सतीश जी ने छोड़ी इसी को शुरू करते हैं, ब्रेक के बाद इसको पूछेंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मैंने कहा कि बहुत नीचे है, और आपका जो डेफिसिट है वो 10 को पार कर गया गोपाल जी, फिस्कल डेफिसिट, और जो नंबर्स का आंकड़ा है जो डेफिसिट वाला, वो डेट टू जीडीपी अगर आप देखेंगे तो
67-68% लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एक्चुअली 90% तक हो चुका है सर, लेटेस्ट आंकड़ा जो कि शायद अभी बाद में पब्लिश होकर आएगा। तो जो भी बात हमने अब तक की बड़ी रोजी पिक्चर पेंट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये क्या सस्टेन हो पाएगा सवाल ये है, और इसके आगे के चैलेंज क्या है। देखिए इन्फ्लेशन आपके सामने खड़ा है, ग्लोबल मनी सप्लाई जो भी अंशुल कह रहे हैं तो वो सही है कि लिक्विडिटी जब सकआउट करेगा अमेरिका तो क्या होगा, हम उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, और जो ये तमाम पीएलआई स्कीम्स हमने चला रखी हैं क्या इसके आउटपुट की मॉनिटरिंग हो रही है क्या। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज बातचीत हो रही है कि फिक्शन वर्सेस फैक्ट इकोनॉमी को लेकर के, बिग पिक्चर क्या है, नंबर्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी इस चर्चा में निकल के आए, एक एक करके जवाब लेते हैं। गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज संक्षेप में जवाब दीजिए, समय कम होगा। एक सवाल जो अभी सतीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि अगर आप नंबर्स जो मैं कह रहा हूँ कि दिख रहे हैं यहाँ पे, वो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी आप 75 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं अभी तक, ये पहली क्या है बताइए। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि जो सरकार का अच्छा काम है उसी को ये काउंटर कर रहे हैं। अब पेंडेमिक की त्रासदी ने देश को और इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दिया, इसको कौन डिनाई कर रहा है, कोई भी वर्ल्ड में नहीं डिनाई कर सकता, भारत में भी नहीं। तो सरकार ने उसी कारण तो देश की अर्थव्यवस्था, लोग ठीक है, अगर वो नहीं देते, मनरेगा को नहीं बढ़ाते, किसानों के सम्मान निधि नहीं देते, तो फिर के शेप रिकवरी की, मतलब दोनों तरह की बातें नहीं हो सकती। समाज में एक वर्ग है जो कि पेंडेमिक के कारण
बहुत बुरी हालत में था, उसके लिए सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं, फिस्कल स्टिमुलस, पोस्ट कोविड जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का जो सीधा फंड ट्रांसफर का काम किया है, उसी कारण आज हम देखते हैं कि जो हालत है पेंडेमिक के बाद भी सरकार देश की वह बेटर है। तो वह तो मैं तो कह रहा हूँ, वह तो झंडा उठा के चलने वाली बात है कि सरकार ने कितना इफेक्टिवली आज वन नेशन वन रेशन से मान लो कोई कहीं भी है माइग्रेशन लेबर, तो नहीं तो बिल्कुल भूखा मरने की स्थिति आ जाती। तो वह सरकार ने इतना बढ़िया स्टेप किया, SDRF फंड को एक्सेस दे दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब कारणों से ही तो जो प्रवासी मजदूर है आज अब जिसकी नौकरी गई है वह ठीक स्थिति में, पहली बात। दूसरी बात में आपने फिस्कल स्टिमुलस और GDP देखिए, सरकार रिसोर्स जनरेशन के लिए तो मोनेटाइजेशन की बात कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, तो उसके बाद भी कुछ अपोजिशन लीडर कुछ भी कहते रहे, फिर भी हम सरकार पूरी तरह से उस स्टेप पे जा रही है कि हमें रिसोर्स जनरेशन चाहिए, रिसोर्स जनरेशन नहीं करेंगे तो सरकार के पास जो इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। अग्रवाल जी कहां कर पा रहे हैं, कर कहां पा रहे हैं आप लोग, अरे डाइवेस्टमेंट कहां कर पा रहे हैं सर, डाइवेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन पूरी तरह से नहीं, प्लान तो है वो तो हमने रखा, एक भी बताइए ना किया जब सरकार, तो आप ये कहना इसको अब उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे क्या सर, जो दीपक वेबसाइट में से 6-7 हजार 8 हजार करोड़ का आंकड़ा दिखता है, केवल टैक्स कलेक्शन को देख लीजिए बढ़ा है ना। नहीं मैं डाइवेस्टमेंट में टैक्स कलेक्शन छोड़िए, डाइवेस्टमेंट की गाड़ी एकदम ठप्प पड़ी है सर, नहीं ना एयर इंडिया बिका है ना BPCL बिकी है, कुछ नहीं बिक रहा है। यही तो डिसइन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि वो चाहते हैं एयर इंडिया तो बेच दे जिसमें 62 हजार करोड़ का लॉस है, अरे तो BPCL बेचिए, तो ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर वैल्यूएशन की बात है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात चल रही है, तो एक देखिए डेमोक्रेसी में एक नरेशन। अग्रवाल जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि डेमोक्रेसी सब तरीका है, लेकिन मुझे बताइए यहां सारे लोग मार्केट के बैठे हैं, जब मार्केट एकदम पीक में है, लाइफ हाई पे मार्केट खड़ा है, दर्जनों प्राइवेट कंपनी IPO लाके पैसा वसूल के चली गई, और आप अभी बेच ही नहीं पा रहे, आप टाइमिंग कर रहे हैं क्या, जब मार्केट नीचे आएगा तब बेचेंगे क्या, इससे बेटर टाइमिंग क्या हो सकती है, वैल्यूएशन नहीं करा पा रहे हैं आप। बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत फास्ट ट्रैक करना है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। PSUs में आज भी एक बड़ा आर्टिकल आया कि PSUs और इसमें केवल ये कई इश्यूज है मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, यह सारे जो आप 65 साल का स्ट्रक्चर PSU का, अरे अग्रवाल जी टोटली मैं आपको एक बार फिर दूसरी बात पे कर देता हूं कि यह जो है GDP फिस्कल डेफिसिट वगैरह के ऊपर यह सारी कंसर्न सरकार के ध्यान में है, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, फिस्कल स्टिमुलस और फिस्कल डेफिसिट, लोग तो कह रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर मनी पे चले जाओ, नोट छाप दो, तो सरकार बैलेंस कर रही है, दिख रही है इसको मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, हाँ। और उसके पैसे के लिए आपके पास एक मोनेटाइजेशन का और एक डाइवेस्टमेंट का रास्ता है जो नहीं होता हुआ दिख रहा है, यही चिंता शायद अभिजीत की भी होगी कि ये नंबर बहुत अच्छे है लेकिन सस्टेन कैसे करेंगे आप, दिक्कत है सर, ये 6 लाख करोड़ का अगर हमारा टारगेट FDI आ रही है, जो मॉनिट आप देखिए वेरियस प्रोजेक्ट को FDI, तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो आई है कितनी 162% की ग्रोथ है, $20-22 billion की जो भी आई होगी वो उसमें क्या है सर, आप डाइवेस्टमेंट वाला काम हो रहा है, अभी जी थोड़ी आप दीजिएगा चैलेंज आपके हिसाब से, मतलब एक जो मैंने मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज है, इसको सस्टेन करना एक बड़ा चैलेंज है, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, पॉलिटिकल जवाब मत दीजिएगा। नहीं ये जो RBI सरकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वही गलत है भाई, उससे इन्फ्लेशन भी हो रहा है, ये जो लो इंटरेस्ट रेट्स है, ये मॉरेटोरियम्स और ये सब ठीक है, लेकिन ये जो फॉरबेरेंस हो रहा है, लेकिन इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और ये जो अनुत्पादित कमाई जो आ रही है कि पेट्रोल के दाम अब बढ़ाते जा रहे हैं, इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन पे सीधा आ रहा है, इसलिए दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है, कमोडिटी प्राइसेस क्या है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, उसकी भी कीमत बढ़ रही है, वो सब ठीक है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, वो तो गरीबों
के बारे में सोच भी नहीं रही ना, वो गरीबों के मारने पे तुल्ली हुई है, गुर्बत तो नहीं। और ये जो अनाज की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहना चाहूंगा ये तो अनादर है गरीब लोगों का, ये तो बदसलूकी है उनके, ये तो अपमान है। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि गरीब बैठ के रोटी नमक के साथ खाएगा? कोई और जरूरतें नहीं है। आप ये देखिए सारगर्भित डिबेट है ना, मैं इसीलिए कह रहा था, आप कह रहे हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, टैक्स वसूल रही है, तो क्या कर रहा हूँ? मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं दूंगा, मैं बताता हूँ। पहले तो ये मॉनेटरी पॉलिसी सरकार की नहीं, आरबीआई की होती है, पहली बात तो ये। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आरबीआई की होती है, लेकिन सरकार इशारा तो करती है ना, सरकार तो सरकार ने तो इन्फ्लेशन टारगेट तय किया था पहली बार, और उसको फॉलो कर रहा है आरबीआई। तो इन्फ्लेशन टारगेट तो बहुत ज्यादा है ना, 6% कौन? अरे भाई साहब वो जमाना याद करिए मनमोहन सिंह वाला, इस सरकार का ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है, यही उनका अचीवमेंट है जिसकी खामियाजा भुगत रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन पहले से हाई टारगेट लेकर चलते तो स्थिति नहीं होती है भाई। अरे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये, यहाँ पर इस सरकार की नीतियों के वजह से इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश डिमांड पुश इन्फ्लेशन नहीं है, ये वो वाला वो फिलिप्स कर्व नहीं हो रहा है, कॉस्ट पुश इसलिए है। अच्छा अभी जी एक जवाब सुनो जी, चैलेंज आपके हिसाब से ये जो नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसमें वो विलन क्या हो सकता है जो आएगा? छोटे जवाब दीजिएगा सर, क्या विलन है इसमें? जो अभी जो राइट नाउ जो अच्छे दिख रहे हैं वो सबसे अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें सच में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कैपिटल एक्सपेंडिचर मूव करना। मैंने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कहा था, साथ में आप देखिए स्टेट्स का भी, जो अभी स्टेट्स का अर्निंग आया है 3.11 ट्रिलियन क्वार्टर वन में, वो 20 से FY 20 यानी कि दो साल पहले कोविड के पहले वाला जो पीरियड था उससे काफी कम है, उस वक्त 3.38 ट्रिलियन था। यानी कि स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए जगह कम मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टेट और सेंटर को दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में जो भी कदम लेना चाहिए, और उसमें आपने अभी जिक्र किया था डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत जल्दी होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, इन सब चीजों को ही सबसे बड़ा प्राथमिकता देना चाहिए, इसी से ही इकोनॉमी में गति आएगा। लेकिन दूसरे चीजों में इसी से कंजम्पशन वगैरह बाकी सारी चीजों का करस्पॉन्डिंगली इंप्रूवमेंट होगा। कंजम्पशन इस वक्त अभी डाउन है और उसको हम दोहरा नहीं, मतलब उसको हम वो नहीं कह सकते कि कंजम्पशन फिगर्स कम नहीं है, जीडीपी फिगर्स साफ बता रहे हैं, लेकिन वो सभी में इंप्रूवमेंट आएंगे अगर सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर जोर से निकले। ये नहीं कि प्रोमिस भी हो, बट साथ में इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें दो पॉइंट और जोड़ूंगा, समय एकदम समाप्त हो रहा है। 66-67% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय इंडस्ट्री में है, लेटेस्ट हो सकता है, चूंकि नंबर थोड़ा लैग से आते हो सकता है कि 70-75 तक पहुंच गया हो। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने आज, उनके कुछ अधिकारियों ने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है क्वार्टर 2, 3, 4 में, और 9.5% की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में आ सकती है और अगले साल 7 होगी। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इस ग्रोथ को मेंटेन रखना चैलेंज है, जिसमें एक थर्ड वेव ना आए तो बहुत अच्छी बात है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जितने भी कारण इस बात को सबके सामने बड़ी वो चिंता है, और दूसरा महंगाई का मुझे लगता है। तो सरकार की तरफ ये ओनस जाता है, आप अभिजीत जी को कितना भी समझा लीजिए पोलिटिकली, लेकिन ओनस सर आपके पास है अग्रवाल जी, और उसका जरिया मुझे लगता है कि डाइवेस्टमेंट की जो गाड़ी एकदम ठप है, जाम लगा, हिल नहीं रही, वो उसको हिलाइए, क्योंकि पैसा आपके पास अब वहीं से आ सकता है जो आप खर्च कर सकते हैं। और जो बात सुमो जी कह रहे हैं कि सरकारी कैपेक्स होना चाहिए, वो तो मुझे लगता हो भी रहा है, प्राइवेट कैपेक्स शुरू हुआ है, ये गुड साइन है। मैं फार्मा ट्रैक करता हूं, केमिकल ट्रैक करता हूं, $2-3 बिलियन के अनाउंसमेंट आ चुके हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रोज हो रहे हैं प्रोजेक्ट में। लेकिन वही अंत में सवाल कि ये मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एक सवाल रह गया जो कि समय नहीं था, कि आप थोड़ा शायद इन आलोचनाओं से बचे जो शुभम जी ने कहा था, जिससे कि सेंटीमेंट बिगड़े नहीं। अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।